हेलो एवरीवन। तो साथियों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए हिस्टोरियन के बारे में। यदि आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर से एक नए सीरीज की शुरुआत की थी, जिसका नाम था इतिहासकारों की सीरीज, जिसमें हम लोग बात करने की शुरुआत किए थे जो भी महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं उनके बारे में। तो उस क्रम में हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था हेरोडोटस के बारे में, जिनको आप फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और एक यह भी मैंने बताया था आपको कि इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा किसने था, बताओ। यदि आपने उस लेक्चर को देखा है तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा, सिसेरो ने कहा था। और यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो जा करके आप देखिए, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आज बात करते हैं थोसीडाइडिस के बारे में। तो आप लिख लीजिए, हिंदी में लिखना चाहते हैं, अंग्रेजी में आप जैसे लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। टाइम फ्रेम लिखिए 460 बीसी से लेकर 396 बीसी के बीच पे इनका टाइम फ्रेम है। यह दरअसल ग्रीको रोमन ट्रेडिशन के दूसरे इतिहासकार हैं। पहले कौन थे? पहले हेरोडोटस। यदि आप इग्नू के छात्र हैं तो इग्नू MHI 03 में पढ़ना है ग्रीको रोमन ट्रेडिशन। और यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप PhD एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी एग्जामिनेशन में आपको मदद करेगा। उसके अलावा यदि आप हिस्टोग्राफी को नॉलेज लेना चाहते हैं तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, दूसरे इतिहासकार है इस ट्रेडिशन के, क्या नाम है? थुसीडाइडिस। टाइम लिख लीजिए 460 बीसी से लेकर 396 बीसी। मैं बार बार बोलता हूँ आप सभी को कि इतिहास में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है। पहला चीज होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और दूसरा होता है फैक्ट। फैक्ट को आप तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हो, लेकिन इतिहास लेखन में दरअसल हम लोग यही पढ़ते हैं कि फैक्ट का कैसे सेलेक्टिव स्टडी किया जाता है और आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि इतिहासकार अपने हिसाब से अपने फैक्ट को कलेक्ट करते हैं और उसको इंटरप्रेट करके आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए इतिहास लेखन में इतने सारे हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड की शुरुआत हो गई। तो वह सीरीज तो चलता रहेगा, लेकिन यह इतिहासकारों की भी सीरीज चलती रहेगी। तो इतिहास लेखन के लिए अभी बहुत महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में आप दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके इनिशियल फेज ऑफ लाइफ के बारे में। किनके बारे में? थोसीडाइडिस के बारे में। पहला पॉइंट तो आपने लिखा होगा कि यह कॉन्टेम्पररी हिस्टोरियन है। किसके कॉन्टेम्पररी हैं? तो हेरोडोटस के कॉन्टेम्पररी हैं। 20-30 साल छोटे थे जैसे गांधी और अंबेडकर। अंबेडकर 20 से 21 साल छोटे हैं गांधी से, उसी तरीके से यहाँ पर भी चीजें चल रही है। छोटे हैं उम्र में, लेकिन कॉन्टेम्पररी हैं, एक ही साथ दोनों ने काम किया है इतिहास के फील्ड में। सबसे पहली बात करते हैं, इनके जो पिताजी थे वह एथेंस से थे और इनके जो माताजी थे वो थ्रेसियन थे। थ्रेसा एक कंट्री है एथेंस के बगल में, ग्रीक के बगल में, वहां से इनकी मम्मी थी। इन दोनों का विवाह हुआ, उसके बाद फिर थुसीडाइडिस की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति नहीं बोलो, जन्म हुआ उनका। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पूरी दुनिया का सोसाइटी जो है शुरुआती दौर से ही पैट्रियार्कल सोसाइटी रहा, तो इनकी जो पहचान होगी वो एथेंसियन के तौर पे होगी, एथेंस के नागरिक के तौर पे होगी। अब एक बात क्लियर हो गया हो कि जब ये इतिहास लेखन लिखेंगे तो एथेंस के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे और एथेंस को कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से दिखाया जा सके। ठीक, यह सेना में भर्ती थे। सेना में भर्ती होने के बाद इन्होंने 424 BC में एक लड़ाई लड़ा था और उसमें दरअसल ये हार गए थे। सेनापति के तौर पे लड़ाई लड़ रहे थे तो इनको सेना से निकाल दिया गया था और उसके ठीक 6 साल बाद 430 BC में इनको प्लेग डिजीज हो जाता है। ठीक है, कई लोगों का कहना था कि प्लेग की वजह से ही मरे थे, कई लोगों का कहना है कि युद्ध में हार गए थे तो वहां के राजा ने इनको मरवा दिया था। जो भी हो, इससे आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप दोनों चीजों को लिखिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि युद्ध में हारने के बाद इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया, कहां से? मिलिट्री से। ठीक है, सेना से इनको बाहर निकाल दिया गया उस युद्ध के बाद। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि रेस्ट ऑफ लाइफ जो इनका है उन्होंने इतिहास को लिखने में अपना बिताया। कहाँ का इतिहास? ग्रीक का इतिहास, एथेंस का इतिहास, स्पार्टा का इतिहास, थ्रेसा का इतिहास, यह 3-4 कंट्री का जो भी मेडिटेरेनियन कंट्रीज थे उनके इतिहास लिखने में इन्होंने अपना समय बिताया। और ठीक इसी के दौर में हेरोडोटस भी कई जगहों पे लिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों के इतिहास लेखन में काफी डिफरेंसेस हैं, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे आगे आगे आने वाले स्लाइड में। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि युद्ध के बाद इन्होंने जो अपना रेस्ट ऑफ लाइफ है वह हिस्ट्री को लिखने में बिता दिया। और आप देखो कि शुरुआती दौर में जितने भी इतिहासकार आ रहे हैं यूरोप से वो सभी के सभी लगभग मिलिट्री में थे। ठीक है, और मिलिट्री से निकलने के बाद ही जैसे कोलिंगवुड को भी देखोगे तो सेना में थे, बाद में आगे आकर के आगे इतिहास लिखते हैं। कोलिंगवुड कौन है? जिनसे नेट में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, उनका बुक है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, लिख लेना द हिस्टोरियंस क्राफ्ट। में कई बार बताया हूँ आपको, आप लोग यदि गंभीर छात्र हो तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिखा होगा इसको। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद आगे का जो 20 साल है यह पेलोपोनस में बिताते हैं।
पेलोपोनेस वहीं का एक कंट्री है, वहीं पे 20 साल निर्वासित जीवन बिताते हैं। इनको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है युद्ध के बाद, जैसे देश निकाला होता है ना, उसी को बोलते हैं निर्वासित करना। और फाइनली ही केम बैक टू एथेंस, और 404 BC में वो फाइनली फिर से वापस आते हैं एथेंस, क्योंकि एथेंस में फिर रिवॉल्यूशन आता है, तो एथेंस में नया राजा आता है तो इनको बुला लेता है वापस। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इतिहास लेखन का, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ थुसीडाइडिस, यानी कि जो थुसीडाइडिस ने जो लिखा है, इनका जो कलेक्टेड वर्क्स है वह क्या है। पहला पॉइंट है, ही गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ पर्शियन वार्स फ्रॉम हेरोडोटस इन हिज यंग एज। जब यह जवानी के उम्र में थे ना, जब यह जवान थे, तो उस समय हेरोडोटस कई जगह पे स्पीच सुनाया करते थे। यदि आपने उस लेक्चर को देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि हेरोडोटस एज ए कथावाचक, जैसे होता है ना अभी कुमार विश्वास एज ए कथावाचक सभी जगह पे काम करते हैं। यदि कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया की बात करें तो मोरारी बापू हैं, कई सारे लोग हैं जो कथा करवाते हैं, तो उसी तरीके से शुरुआती दौर में हेरोडोटस भी करवाते थे। तो इनके कथा को सुनने के लिए थुसीडाइडिस भी जाते थे, इनसे उम्र में छोटे थे लेकिन यह भी जाते थे सुनने के लिए। ठीक है, तो सुनते सुनते इनके दिमाग में भी कई सारी चीजें आई, तो आगे चल करके इन्होंने वो जो जितनी भी सुनी सुनाई चीजें थी उनको इतिहास के तौर पर इन्होंने लिखने की कोशिश की, जैसा कि हेरोडोटस ने भी किया था। ठीक, यहाँ तक स्पष्ट है? आप मेरे साथ लिखते चलना, ठीक है? लिखना, एक बढ़िया नोट्स बना लेना, तभी रिवीजन करने में सुविधा होगा, नहीं तो फिर बाद में बहुत परेशान हो जाओगे। आगे बात करते हैं, थुसीडाइडिस जो है मेड हिज हिस्ट्री इज राइटिंग बाउंड्री टू पेलोपोनेशियन वार। कहा जाता है कि पेलोपोनेशियन वार तक ही इन्होंने इतिहास को सीमित रखा। इनके जितने भी लेखन है, इतिहास लेखन जो इन्होंने इतिहास लिखा है, वो पेलोपोनेशियन वार जो हुआ वहीं तक सीमित है, उसका वहीं तक लिमिटेशन है, वहीं तक उसका बाउंड्री वॉल है। आगे बात करते हैं, ही मेड अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हिज राइटिंग समर एंड कोल्ड। ये लोग ये क्या करते थे उस समय, चूंकि टाइम का कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा था, ये तो हम लोगों ने किया है ना टाइम का कैलकुलेशन, इधर हाल फिलहाल में इन्होंने हम लोगों ने किया है 406 BC या जो हमने इनका टाइम फ्रेम बताया, ये सब हाल में हुआ। उस दौर में दरअसल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए वेदर का इस्तेमाल करते थे कि समर के मौसम में क्या हुआ, कोल्ड के मौसम में क्या हुआ, इस तरीके को इसको ऑर्डर बना करके इन्होंने इतिहास लिखने की शुरुआत की। समझ में आ रही बात आप सभी को? मेरे ख्याल से आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ही रोट 8 books ऑन पेलोपोनेशियन वॉर। ठीक है, पेलोपोनेशियन युद्ध पे इन्होंने 8 किताबें लिखी। लास्ट की जो किताब है वह 411 BC के, 411 BC में जो लड़ाई हुआ उसका जिक्र करता है लास्ट का इनका किताब। ठीक है, वहां पे एक अभियान वगैरह हुआ था, और कई लोगों का मानना है ना कि ये, मतलब कई लोग कहते हैं कि थुसीडाइडिस ने जो इतिहास लिखा है वह इस तरीके से लिखा है कि आने वाला समय में जो भी फ्यूचर हिस्टोरियन है उनको एक बेहतरीन जानकारी दिया जा सके, ताकि वो आगे आने वाले समय एक बेहतरीन फ्यूचर का निर्माण कर सके, जैसा कि मैंने नीचे में लिखा है, इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो यह था इनके कलेक्टेड वर्क्स के बारे में, और इसमें और कुछ ज्यादा नहीं आपको जानना है, बस वही जानना था। जो आप कॉन्सेप्ट यदि समझ गए हो तो फिर आप बेहतरीन काम कर सकते हो। और यह भी देखो, जो थुसीडाइडिस है एक ईमानदार व्यक्ति है, ऑनेस्ट है, और एक गंभीर छात्र है, जैसा कि आप लोग हैं। ठीक है, मुझे पता है आप लोग कितने गंभीर छात्र हैं, लेकिन नहीं है तो हो जाइए। तो गंभीर छात्र थे और गंभीर प्रवक्ता था, गंभीर हिस्टोरियन था, तो इन्होंने चीजों को बहुत साइंटिफिक अप्रोच के तहत लिखा है। आगे बात करते हैं, थुसीडाइडिस ने जो अप्रोच अपनाया इतिहास लेखन का, वह क्या अप्रोच था और किन किन चीजों का उन्होंने जिक्र किया है, किस तरीके का अप्रोच था। पहला पॉइंट, थुसीडाइडिस का जो अप्रोच था वो कम्प्लीटली साइंटिफिक अप्रोच था। अब साइंटिफिक अप्रोच जो होता है वो नेचर में प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, जैसे आप बुखार चेक करते हो ना, तो आप अंदाजा नहीं लगाते हो, आप चेक करते हो 98.3 FM, नहीं मतलब वो फारेनहाइट जो होता है इतना है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जो क्वालिटेटिव स्टडी होता है, वहां पे आप स्टेटमेंट बेस्ड चीजें होती है, वहां पे इंटरप्रिटेशन होता है, तो जो साइंटिफिक अप्रोच होगा वो प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पे आप उस तरीके से चीजों को नहीं कर सकेंगे, हूबहू आपको एग्जैक्ट लिखना होगा। तो इन्होंने जो भी इतिहास लेखन लिखा उसके लिए जो अप्रोच अपनाया वो साइंटिफिक अप्रोच था। हेरोडोटस से यदि कंपेयर करें तो इनका अप्रोच कुछ ज्यादा ही साइंटिफिक था, क्योंकि हेरोडोटस को तो एज ए, कई लोगों ने कथावाचक कहा ना, तो कथावाचक का जो अप्रोच होगा वह साइंटिफिक तो नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें उनकी जो स्टडी होगी वो क्वालिटेटिव होगी और उनके पैमाने पर खरे नहीं उतरेंगे, लेकिन इनका जो अप्रोच है वो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक तरीका है, तो इनका जो अप्रोच है पूरी तरीके से अपने सिद्धांत पे खड़ा उतरेगा। दूसरे नंबर पे बात करें, बेटर देन अप्रोच ऑफ हेरोडोटस।
अब देखो हेरोडोटस ने जो अप्रोच अपनाया था उस अप्रोच से थुसीडाइडिस का जो अप्रोच था वो काफी बेहतर था। ठीक है, यदि दोनों का कंपेयर करना पड़े तो आप कह सकते हैं कि थुसीडाइडिस का जो अप्रोच है काफी बेहतर है। ऐसा क्यों है? देखो होता क्या है कि जैसे आप इसको ले लो, मान लेते हैं कि आप कुतुबुद्दीन ऐबक के ले लो, ठीक है, हाल ही में मैंने पढ़ाया है इसीलिए इसको ले लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को ले लेते हैं, रजिया को ले लेते हैं और इल्तुतमिश को ले लेते हैं। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल है ही नहीं, बहुत कम है ना, बहुत कम है, बहुत कम है। रजिया के समय थोड़ा सा सुधार आता है और इल्तुतमिश के समय और ज्यादा, बहुत ज्यादा आ जाता है। तो प्रशासन के क्षेत्र में काफी बेहतर काम भी करता है। उसी तरीके से अब इल्तुतमिश इसलिए काम बेहतर कर पाया क्योंकि इससे पहले जितने लोग थे उनके एक्सपीरियंस को इन्होंने लिया, सीखा और देखा कि कहाँ पे क्या कमी रह गई थी, उस पॉइंट पे इन्होंने वर्कआउट किया। सेम चीज है यहाँ पर, हेरोडोटस के अंदर जो कमी रह गई थी थुसीडाइडिस ने उसको समझा, क्योंकि वो तो उस समय यंग ही था तो समझ भी ज्यादा सकता था, तो उन्होंने इस चीजों को समझा और जो कमियां थी उसको इन्होंने वहीं पे रिमूव कर दिया। इसलिए इनका जो अप्रोच होगा वो हेरोडोटस से कंपेरेटिवली यदि करें, तुलनात्मक अध्ययन करें तो काफी बेहतर होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, समझ पा रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ रहे हैं। ही डिड नॉट बिलीव इन मिस्टिसिज्म। अब देखो वह जो व्यक्ति था हेरोडोटस वो रहस्यवाद की भी बात करता था, वो कहता था बहुत सारी चीजें जो रहस्य है रहस्यमयी है, लेकिन इन्होंने मिस्टिसिज्म में बिलीव नहीं किया। बोला नहीं, रहस्य नाम की कोई चीज नहीं, सभी चीजों को हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। यहाँ पर जो बात होता था स्टीरियोटाइप भी बात होता था, कहाँ पर? हेरोडोटस के समय में। देखो यदि आपने नहीं देखा है तो आपको देख लो, नहीं तो फिर लेक्चर आपको बाउंस कर सकता है, मेरे ख्याल से बाउंस नहीं करना चाहिए। स्टीरियोटाइप आइडिया था कि इसका हेरोडोटस का, और वह दरअसल अंधविश्वास में या फिर चमत्कार में बहुत सारे अमेजिंग पावर्स में वो बिलीव करता था, लेकिन जो थुसीडाइडिस है वह बिलीव नहीं करता था। और यह फैक्ट को आप यहीं से इसी अप्रोच से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच है तो ये सारा चीज में तो बिलीव करेगा नहीं। आगे बात करते हैं, वह जो है व्यक्ति हेरोडोटस जिसने कई इंडिविजुअल हिस्ट्री राइटिंग किए, जैसे किसी राजा के बारे में आप पार्टिकुलर लिखते हैं तो वो तो इंडिविजुअल हुआ ना, आप किसी एक सोसाइटी के बारे में लिख रहे हैं तो वो इंडिविजुअल नहीं है, वो तो सोशल होगा। लेकिन किसी एक पार्टिकुलर राजा के बारे में जैसे अबुल फजल लिखते हैं, अकबर के बारे में लिख रहे हैं तो वो तो उनका इंडिविजुअल हिस्ट्री राइटिंग हुआ। लेकिन यहाँ पर जो थुसीडाइडिस का जो अप्रोच है वो इंडिविजुअल नहीं है, वो किसी राजा को केंद्र में रखकर नहीं लिख रहा है। दूसरी बात, काउज एंड इम्पैक्ट का जो थ्योरी है उसको पालन कर रहा है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना इतिहास में, एक चैप्टर पढ़ेंगे कि बिना कारण का, ठीक है, बिना कारण का कोई भी कार्य संभव ही नहीं है, ठीक है, इसको काउजेशन थ्योरी बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी कार्य यदि संपादित हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना मेरा एक कार्य है और उसके पीछे कई सारे कारण होंगे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसी तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना आपका एक कार्य है, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे कई सारे कारण है ना, तो बिना कारण का कोई कार्य संपादित कर ही नहीं सकते हैं। तो काउजेशन थ्योरी इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसपे थुसीडाइडिस ने काम किया है पहली बार। उसके बाद साइंटिफिक अप्रोच था, तो चूंकि साइंटिफिक अप्रोच है इसीलिए एक्यूरेट डेटा भी देगा, तो एक्यूरेट डेटा को इस्तेमाल करके इन्होंने इतिहास लिखा। डेवलप और विकास, जैसे कि जो भी अप्रोचेज यह विकसित कर रहा है उसका क्या डेवलपिंग रोल रहा है, विकास समाज के विकास में क्या भूमिका रही है और उसके क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, उस पर भी इन्होंने चर्चा करने की कोशिश की है, कोशिश नहीं बल्कि डेफिनेटली चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, और चौथा पॉइंट लिखिए, बट ही एक्सेप्ट दैट समटाइम्स ही ऑल्सो गेव इमेजिनरी स्पीचेज लाइक हेरोडोटस। हेरोडोटस चूंकि मिस्टिसिज्म में बिलीव करता था तो वो कई जगह पे कथावाचक के तौर पे स्पीच दिया था, तो मिस्टिसिज्म की बात करता था, बोलता था बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे ही घट जाती हैं कभी कभार जीवन में, हम लोग भी अक्सर बिलीव करते हैं ना, तो वह भी हेरोडोटस बिलीव करता था। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि कुछ स्पीचेज ऐसे मिलते हैं थुसीडाइडिस के जहां पे वो मिस्टिसिज्म की बात करता है, लेकिन फिर बोल रहा हूँ कंपेरेटिवली स्टडी किया जाएगा तो याद रखना थुसीडाइडिस का जो अप्रोच होगा वह हेरोडोटस से कम मिस्टिसिज्म वाला होगा और ज्यादा साइंटिफिक वाला होगा। एक इसको कई लोग कहते हैं कि एक्चुअल फाउंडर ऑफ साइंटिफिक अप्रोच इन हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड है, कौन? थुसीडाइडिस इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ साइंटिफिक अप्रोच इन हिस्ट्री राइटिंग
इन हिस्टोरियोग्राफी, आप जो भी लिख सकते हो आप लिख लेना, ठीक है, यह कई लोगों का मानना है, ठीक, और कई लोगों ने उन्हें माना था, आपको दोनों लिखना है, आप जिसको अब एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन आए तो टिक करना, ठीक। तो आपसे अभी सवाल आ जाए कि साइंटिफिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस करने वाला हिस्ट्री राइटिंग में पहला व्यक्ति कौन है, तो वो थुसीडाइडिस ही है, ठीक। यहाँ तक आप समझ पा रहे हो बात को, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अप्रोच समझ में आ गया होगा आप सभी को। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्टाइल के बारे में कि इनका क्या स्टाइल रहा है, ठीक। स्टाइल ऑफ थुसीडाइडिस, हिंदी में आप पढ़ते हैं, हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आप शैली लिख सकते हैं, ठीक, शैली, इनका क्या शैली रहा है। एक तो है कि इनका जो इतिहास लेखन का शैली है बहुत ही इम्पैक्टिव है, अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है इनका इतिहास लेखन का शैली, बहुत ज्यादा प्रभाव जमाया इन्होंने उस दौर में, स्पेशली युवाओं पे और सभी लोगों पे इन्होंने अपना प्रभाव जमाया, तो इनका जो शैली है वो काफी ज्यादा इम्पैक्टिव है। दूसरे नंबर पे बायसनेस बहुत कम है। बायसनेस क्या होता है, इसको एक शब्द और लिख सकते हो, अंग्रेजी में ही बोलते हैं उसको प्रेजुडिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, ठीक। जैसे मान लो कि कोई बंगाल का व्यक्ति, जैसे आरसी मजूमदार है, ठीक, आरसी मजूमदार को बोला गया कि फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल लिखे, ठीक, भारत सरकार ने बुलाया था, इन्होंने लिखा कितने वॉल्यूम में, 4 वॉल्यूम में, भारत सरकार ने उसको पढ़ा तो बोला ये तो आपने बंगाल को सेंट्रलाइज कर दिया है, ठीक है, और बाकी जो प्रदेश है उसको नजरअंदाज किया आपने। तो क्या था, आरसी मजूमदार का एक बायस था, ठीक है, वो खुद बंगाल के रहने वाले थे तो उन्होंने भी अपना सेलेक्टिव स्टडी किया, उस चीजों को उसमें शामिल किया, यह दरअसल बायस होता है। लेकिन थुसीडाइडिस शुरुआती दौर का व्यक्ति है और उस समय बायस नहीं होना अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, ठीक। यदि आप रिसर्च करोगे ना तो आपको पढ़ाया जाएगा रिसर्च एथिक्स, वहां पे कहा जाता है कि 0% बायस होना चाहिए। लेकिन देखो बॉस, आप कितना भी पढ़ लो मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, आप बायस होगे ही होगे, सभी हिस्टोरियन बायस हैं, कोई व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता जो बायस नहीं है। परसेंटेज इधर उधर वैरी कर सकता है, तो परसेंटेज वैरी करे तो बायस तो है ना, आप यह तो नहीं कह सकते कि बायस नहीं है, तो 0% बायस है ऐसा होता नहीं है, लेकिन रिसर्च एथिक्स में ऐसा पढ़ाया जाता है, क्या करोगे। तीसरा, साइंटिफिक अप्रोच जो कि मैंने ऊपर में ही एक्सप्लेन कर दिया है, नो एग्जाजरेशन। एग्जाजरेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलो, अतिशयोक्ति। अब देखो हिंदी माध्यम के छात्र है, वो ऐसा नहीं कि गुस्सा कर जाना, दरअसल होता क्या है ना, देखो अंग्रेजी में मैंने इसको तैयार कर दिया है और मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो दोनों व्यक्ति का काम हो जाएगा, दोनों माध्यम का। मेरे पास उतना समय नहीं बचता है कि मैं दोनों में अलग अलग तरीके से वीडियो बनाऊं, तो जो भी है आपको इसी में काम चलाना होगा, ठीक है, आप लोग समझदार आदमी समझिए बात को। तो नो एग्जाजरेशन, एग्जाजरेशन का सीधा अर्थ है, यदि एक लाइन में बोला जाए, बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज को कहना, ठीक है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कहना। जैसे अक्सर जो है लड़का लोग जो है बॉयफ्रेंड जो होता है ना अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा करके कहता है, लाइक मतलब कि तुम्हारा चेहरा चांद की तरह है, या फिर ये वो लड़कियां भी कई सारी होती हैं जो वो कहते हैं अपने बॉयफ्रेंड, अरे तुम तो ऋतिक की तरह लगते हो, वाह दुनिया के सबसे ये हो, पर मतलब बहुत बकवास की बात है, ठीक है, मतलब जो चीज है नहीं उसको बढ़ा चढ़ा करके बोलना ही दरअसल अतिशयोक्ति है। अंग्रेजी में उसको एग्जाजरेशन बोलते हैं। हिंदी में आप अलंकार पढ़ोगे ना, कभी हिंदी लिटरेचर पढ़ाओ तो वहां पे अलंकार पढ़ोगे ना, तो वहां पे एक अलंकार है उसका नाम ही अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक। और अतिशयोक्ति अलंकार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया में कौन करते हैं, कुमार विश्वास करते हैं अपने प्रवचन वगैरह में, कहीं पे भी स्पीच वगैरह देते हैं तो, ठीक है। और या फिर आप मूवी वगैरह देखते हो ना तो उसमें डायलॉग वगैरह जो रहता है वो अतिशयोक्ति अलंकार पे है, बहुत चीजों को एग्जाजरेट किया जाता है, मतलब जो चीज नहीं है उसको ही बोल बोल करके लोगों के माइंड में उसको स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से एग्जाजरेशन समझ गए, इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, होगा तो बताना कमेंट बॉक्स में, फिर करेंगे। इक्वल डिस्कशन ऑन एथेंस एंड स्पार्टा। अब देखो एथेंस और स्पार्टा के बीच में लड़ाई हुआ था, यह व्यक्ति तो एथेंस का था, तो यदि हिस्टोग्राफी के दृष्टिकोण से चले तो हम लोग कह सकते हैं कि एथेंस को ज्यादा या अतिशयोक्ति एग्जाजरेट करेगा, ठीक है, बताएगा कि एथेंस ये था, एथेंस मतलब इस तरीके से जैसे हेरोडोटस ने किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एथेंस और स्पार्टा दोनों को जो महत्ता है, दोनों की जो सैन्य उपलब्धि थी, दोनों का जो लड़ाई हुआ, अचीवमेंट हुआ, उन दोनों का बराबर रूप में तारीफ किया है। एक जैसे एक व्यक्ति था रवि कीर्ति, हिस्ट्री में, ठीक, अब बोलोगे यार कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो, ले जाऊंगा मैं, मेरी यही आदत है। रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन सेकंड के साथ रहता था, ठीक है, उसका दोस्त था, उसी के दरबार में रहता था, ठीक। तो हर्षवर्धन के साथ लड़ाई हुआ था, किसका, पुलकेशिन सेकंड का।
हर्षवर्धन का जो दोस्त था उसका नाम था भानभट्ट। एक भानभट्ट भी चापलूस था और रविकृति भी चापलूस था, लेकिन भानभट्ट जो था ज्यादा चापलूस था। ये दोनों का जब लड़ाई हुआ हर्षवर्धन और पुलकेशिन का, तो देखोगे कि जो भानभट्ट है वह कहता है हर्षवर्धन के बारे में 4 पेज में लिखता है पूरा। महाराजा धीराज है, मतलब उत्तर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट है, ये है वो है, बहुत फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें कही। यह दरअसल इसी को बोलते हैं एग्जेजरेशन, अतिशयोक्ति। भानभट्ट ने खूब चापलूसी की, अबुल फजल ने जिस तरीके से की, रविकीर्ति ने पुलकेशिन की, लेकिन रविकीर्ति एक जगह पे थुसी डायरीज के फॉर्म में खड़ा हो सकता है, जगह पे थोड़ा बहुत खड़ा हो सकता है। कैसे? क्योंकि जब युद्ध हुआ ना तो इसमें दोनों मतलब ठीक ठाक लड़ाई हुआ था, दोनों का बराबर का मुकाबला था। तो रविकीर्ति ने क्या किया कि इन दोनों को बराबर जगह दिया, ठीक है, हर्षवर्धन को नीचा नहीं दिखाया, लेकिन भानभट्ट ने बराबर जगह नहीं दिया, ठीक। तो रविकीर्ति का जो यहाँ पे लेखन होगा वह दरअसल थुसी डायरीज के लेखन की तरह होगा, यानी कि एथेंस और स्पार्टा दोनों को जगह दिया गया। अब तो अगला पॉइंट तो मैंने ऐसे कर दिया, पर फिर भी देख सकते हो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन फॉर बेटर फ्यूचर। यह जो दरअसल थुसी डायरीज था ना, वो चाहता था कि आने वाला समय में जो मानव समाज है और बेहतर हो सके, इसीलिए वो चाहता था कि जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, उन सभी को मैं लोगों को लिख करके बोल करके बता दो, ताकि आगे आने वाले मानवीय समाज का जब इमेजिनेशन किया जाए, जब निर्माण किया जाए, तो हमारी पुरानी चीजों को अतीत का अध्ययन करके वो सीख सकें। और हम लोग भी अतीत का अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि अतीत के में जो चीजें गलती हो गई है उन गलतियों को हम लोग सीखें और एक बेटर फ्यूचर का निर्माण कर सकें। यह सोच दरअसल थुसी डायरीज का बहुत पहले था, ठीक, जब हमारे यहाँ गौतम बुद्ध वगैरह चल रहे हैं उस समय, वहां पे एथेंस की दुनिया में, ग्रीक की दुनिया में कौन चल रहा है? थुसी डायरीज और हेरोडोटस वगैरह, ठीक है, समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं, इवैल्यूएशन जो लास्ट का इनका, यदि कंक्लूजन के तौर पे, निष्कर्ष के तौर पे देखा जाए तो आप कह सकते हो। तो कंक्लूजन में हम लोग क्या पढ़ लेंगे, ठीक, क्या हो रहा है, लिखा जाओ ना यार, नाराज मत हो। चलो, वेरी लॉजिकल थिंकिंग स्टाइल है इनका, ठीक है, बहुत लॉजिकली इन्होंने सोचा। लॉजिकल को ही हम लोग साइंटिफिक बोल सकते हैं। जैसे आप रिसर्च करोगे ना तो उसका बेसिक करते ही होता है ना कि आप जो कुछ भी स्टेटमेंट बोल रहे हो ना उसको डिफेंड करने का कैपेसिटी होना चाहिए आपके पास, ठीक। अगली बार से आप किसी के सामने कोई भी चीज बोलना तो इस बात का ध्यान रखना कि जो स्टेटमेंट बोल रहे हो उसको डिफेंड करने के लिए तुम्हारे पास इनफ रेफरेंसेज हैं, नहीं तो ऐसे ही कुछ पागलों की तरह मत बोल जाना, ठीक। जैसे और तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति कुछ बोल जाए ना तो उसको बोलो अपने स्टेटमेंट को डिफेंड करे, उसका रेफरेंस दिखाया, ऐसे कुछ बकवास करके नहीं चला जाए, ठीक, ना तुम करो ना किसी को जाने दो। तो वेरी लॉजिकल थिंकिंग स्टाइल रहा इनका। और आगे देखते हैं, डेप्थ हिस्ट्री ऑफ एथेंस फर्स्ट टाइम, यानी कि यदि पहली बार बात किया जाए कि एथेंस पे कोई डेप्थ में किसी ने हिस्ट्री लिखा है तो उसका नाम है थुसी डायरीज। जैसे आप मौर्यन डायनेस्टी पे बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, बहुत डेप्थ में, तो मौर्यन डायनेस्टी पे तो पूरा भयंकर काम किया है रोमिला थापर ने, ठीक है। रोमिला मैम है, अभी एमेरिटस प्रोफेसर थी जेएनयू में, पढ़ाने जाती थी, अभी शायद नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये चीज को आप देख सकते हो, ठीक है। रोमिला थापर यह दरअसल है मार्क्सवादी हिस्टोरियन। आगे बात करते हैं, ही नॉट ओनली टॉक्स ऑन व्हाट, देखो हिस्ट्री में तीन चीजों पे बात करते हैं, क्या, क्यों और कैसे। लेकिन हेरोडोटस ने जो बात किया था ना वो केवल व्हाट पे बात किया था, क्या पे, ठीक। लेकिन यह जो है थुसी डायरीज वह उन घटनाओं पे बात किया कि ये घटनाएं कैसे घटी और क्यों घटी, ठीक, इन दोनों काउजेस पे बात किया। यदि आपसे पूछा जाए कि इतिहास में पहली बार हाउ एंड वाई पे बात किसने किया और उसको उद्घाटित करने का काम किसने किया है, लॉन्च किसने किया है, तो थुसी डायरीज ने, हेरोडोटस ने नहीं किया था, ठीक। उसके बाद देखो अगला पॉइंट, ही वाज कीन टू डेप्थ रिसर्च ऑन ह्यूमन बिहेवियर, मतलब बहुत उत्सुक था यार कि मतलब ह्यूमन बिहेवियर पर रिसर्च किया जाए और मानवीय जो इरादे हैं उनके जो व्यवहार है व्यवहारिक तौर पर वो किस तरीके से पेश आते हैं, उन सारे चीजों में बहुत डेप्थ स्टडी किया जाए और लोगों के सामने मेटेरियल को प्रोड्यूस किया जाए ताकि एक बेटर फ्यूचर का निर्माण हो सके। यह दरअसल इतना उत्सुक था, ठीक। आगे बात करते हैं, हिस्ट्री इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह दरअसल इसका स्टेटमेंट था। इसने कहा कि हिस्ट्री जो है एक जैविक प्रक्रिया है और यह लॉजिकल है, सिस्टमेटिक है और ऑर्डर में है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में, एक व्यक्ति है हिस्टोरियन जिसका नाम है जेबी बरी। जेबी बरी ने कहा कि थुसी डायरीज जो है वह आज जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज जो भी हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं उस इतिहास लेखन में यदि पहला कदम किसी ने उठाया है तो उसका नाम है थुसी डायरीज।
यह जेबी बरी का स्टेटमेंट है या बायस स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना आपसे एग्जाम में पूछा जाए इन्वर्टेड कॉमा में इन थोसिडाइडिस के बारे में निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने बात कही थी, तो जेबी बरी ने कही थी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, और एक व्यक्ति और है उसके बाद खत्म करते हैं इसको, डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम ने कहा कि मतलब द फर्स्ट पेज ऑफ थुसिडाइडिस इज द स्टार्ट ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास को शुरू करने के लिए पहला जो पेज है वो थुसिडाइडिस से ही शुरू होता है, ठीक। ऐसा किसने कहा? डेविड ह्यूम ने। अब डेविड ह्यूम हो सकता है कि बायस होकर के यहाँ पर बात कर रहा हो, या हो सकता है, ठीक है, संभावना है, ठीक। तो यह स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। तीसरी बात जो है वह कॉलिंगवुड का बात है। कॉलिंगवुड जो है दरअसल इस दोनों की तुलना करता है, किसका आपसे पूछा जाए कि इन दोनों का तुलना, हेरोडोटस का तुलना और थुसिडाइडिस का तुलना कौन करता है, तो वह कॉलिंगवुड करता है, और कॉलिंगवुड जो है हेरोडोटस का पक्ष लेता है, ठीक है। वह कहता है कि नहीं, थुसिडाइडिस ने साइंटिफिक अप्रोच लाया तो क्या हुआ, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस ही रहेंगे, क्योंकि कई लोगों ने थुसिडाइडिस को भी फादर ऑफ हिस्ट्री कह दिया था, ठीक है, इस वजह से कॉलिंगवुड ने यह बात कहा है, ठीक है। तो कॉलिंगवुड का इस पर काफी बड़ा स्टेटमेंट है, तो आप इतना यदि मेरे ख्याल से समझ रहे हैं तो बाकी सारी चीजों को समझ लेंगे। दूसरी बात, कॉलिंगवुड ने कहा कि हेरोडोटस जो है मुख्य तौर पे घटनाओं में रुचि रखता था, ठीक है, इवेंट्स में रुचि रखता था, कौन, हेरोडोटस। लेकिन थुसिडाइडिस जो है वह कहता है कि उसकी रुचि उन नियमों में भी थी जिसके अनुरूप घटनाएं घटती थी, ठीक है। यानी कि यह जो कहता है, जैसे मैंने बताया ना कि यह हेरोडोटस है जो यह चर्चा करता था कि इवेंट्स क्या है, लेकिन थुसिडाइडिस कहता था कि इवेंट्स क्यों हुआ और कैसे हुआ और इवेंट क्या है, इन तीनों पर चर्चा करता था, ठीक है। इसीलिए थुसिडाइडिस जो है ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं हेरोडोटस की तुलना में, लेकिन यदि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करें तो हेरोडोटस का तो जगह थुसिडाइडिस नहीं ले सकते हैं, बाप तो बाप होता है ना, पहले जो व्यक्ति आएगा तो वो होता है, तो आप समझ सकते हो चीजों को। तो थुसिडाइडिस के बारे में बस इतना ही, मेरे ख्याल से आप इतना समझ गए हो, तो आप इस पे किसी भी तरीके का कोई सवाल आता है तो बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अपने दोस्तों से तो निश्चित तौर पे बहुत आगे रहोगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया होगा तो लोगों के साथ शेयर जरूर करना और नए लोगों को चैनल पर कनेक्ट करना। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।